नहीं मानता कि प्यार एक ही बार होता है, प्यार दोबारा भी हो सकता है, और प्यार करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। बोलो कैसा लग रहा है, खुद ही को नीचे गिराकर, लुटेरों के हाथ वादी थमाकर, पानी से बना बिजली हमारी कोई बेच रहा है, बोलो कैसा लग रहा है। सफर में भी हैं, हाँ तो कुछ पूरी ना भी हो पाई। अच्छा, कितनी मोहब्बत थी पहले ये बताओ। आधी उम्र का पड़ाव उस दिन गुजर चुका था, पूंजी वादियों में वो कमल मुझे मुरझाया सा दिखा। क्या बात है, युवा सब के सब हैं। सारे निकम्मे। सारे निकम्मे कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसी को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। मतलब मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूं, मतलब मोहब्बत नहीं हुई कभी आपको? मोहब्बत होती है, अब मोहब्बत लेना और बांटना है ये इसका मजा। ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया ना, यहाँ से थोड़ी चलेगा ये शो, मतलब खुल के इजहार करने का। सफर में तन्हा चलकर खुद से लड़ना सिखा दिया, इस जमाने ने दर्द देकर मुझे आगे बढ़ना सिखा दिया, डरता था मुझसे पीठ पीछे करता था जो मेरी बातें, इत्तेफाक तो देखो कि आज उसी कायर जमाने ने मुझे शायर बना दिया। तो एक जो शायर होता है जब भी वो लिखता है, या जो कहानीकार होता है या कविताएं जो लिखता है, लिखते वक्त तो उसके जहन में उसकी मोहब्बत होती है, लेकिन वो मोहब्बत कोई भी हो सकती है, कोई महबूबा, कोई हसीना, कोई माँ बाप या फिर वतन भी हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं अमरीश जसरोटिया जी, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन वतन को लेकर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको, और मुझे लगता है जहाँ तक कि आज की बात करूँ तो मोदी जी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको। तो अमरीश जी, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सौरभ जी। तो पॉलिटिक्स और एक शायर, मतलब कविताकार मैं कहूँगा, तो क्या मतलब कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन यही है कि समाज के अंदर जो कभी कुरीतियाँ दिखती हैं, या सरकार की पॉलिसीज में जो कभी कमी दिखती है, कि जो लोगों के हक में नहीं होती हैं, लोगों के हक में होती भी है, तो दोनों को देखा जाए तो उस तरीके से कभी सोच लेते हैं। और कविता एक मुझे लगता है अच्छा माध्यम है अपने आवाज को अच्छे तरीके से पहुंचाने का, तो बस इसी तरीके से पहुंचाते हैं। और ये अपनी कविताओं के जरिए जिस तरह से तंज कसते हैं ना सरकार पर, मुझे वो बेहद खूबसूरत लगता है। मैं चाहूँगा शुरुआत ही एक कविता से हो जाए। ये कविता जो पॉलिटिकली जो मैंने पहले लिखी थी, तो मैं वही सुनाना पसंद करूँगा। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजी, मैं सुबह सो के उठा था, तो एक तरफ मोदी जी का पुराना 2013 का जो स्पीच थी। अच्छा। जो कि इलेक्शन से पहले की। हाँ। तो उन्होंने कहा था हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष। हाँ, हाँ। लेकिन बाद में एक सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू होता है मोदी जी का। हाँ, हाँ, 2014 के बाद वाला। हाँ, हाँ। तो उसमें उन्होंने सुधीर चौधरी इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा युवा कोई पकौड़े बेचेगा कोई समोसे तलेगा। तो इस तरीके से मेरे को उस दिन उठा तो बड़ा फील हुआ। तो बस वो भावनाएं जब पेन और कागज पे, तो फिर मैंने लिखा था इस प्रकार की, कच्ची उम्र से निकल कल को थामने निकली जब जिंदगी, सपनों ने कहा चल उंगली थाम ले अब इसकी, उंगली मोदी जी की उंगली। तो कच्ची उम्र से निकल कल को थामने निकली जब जिंदगी, सपनों ने कहा चल उंगली थाम ले अब इसकी, नहीं जानता था कि ये भी है फरेबी सपनों का सौदागर, हकीकत तो तब सामने आई जब बातों से बात मिली ना इसकी। क्या बात है। तो इस प्रकार से पूरी सुना दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मजा आ रहा है। सपनों ने कहा चल उंगली थाम ले अब इसकी, नहीं जानता था कि ये भी है फरेबी सपनों का सौदागर, हकीकत तो तब सामने आई जब बातों से बात मिली ना इसकी। आधी उम्र का पड़ाव उस दिन गुजर चुका था, पूंजी वादियों में वो कमल मुझे मुरझाया सा दिखा। क्या बात है। युवा सपना भी अब बूढ़ा लगने लगा है, कब खुद पे भरोसा किया है और राह चुन ली है अब अपनी। क्या बात है। मतलब इस कविता में तंज कसते हुए मोदी जी को फरेबी भी बोल दिया, कमल भी मुरझा दिया आपने, और सब कुछ कर दिया। अच्छा, तो ये मतलब आप इससे पहले भी कविताएं लिख चुके थे, या आपकी पहली कविता थी? नहीं, ये पहली। तो कितने साल हो गए कविताएं लिखते हुए आपको? कविता लिखते कुछ ज़्यादा नहीं हुई, 3-4 साल हुए। तो कहाँ से मतलब ख्याल आया कि यार कलम पकड़ लेनी चाहिए, लिखना चाहिए? ऐसे सुनता रहता था, कुमार विश्वास को सुना है, मुनव्वर राना को सुना है, और बाकी अपने और भी काफ़ी शायरों को सुनता रहता हूँ, कविताकारों को सुनता रहता हूँ, तो बस ऐसे प्रेरणा मिल गई। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का तो एक ही अपना अंदाज है ना, मतलब गाते हुए वो कविता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उनकी तरह ट्राई किया?
ट्राई किया नहीं बट उनकी कुछ एक हैं जो हमें अच्छी लगती है। जैसे कोई जैसे है वो गाने के रूप में है कि मन तुम्हारा हो गया तो हो गया लाख नाचे मोर सामन लाख तन का सीप तर से मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। हाय हाय, तो आपका मन कभी किसी का हुआ? मन तो होता रहता है सबका, मतलब मन तो मचलता रहता है इधर उधर, तो फिर भी मतलब एक होता है ना। मैं क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मोहब्बत कोई भी हो सकती है, फिलहाल तो आप मतलब वतन को लेकर लिखते हैं या पॉलिटिक्स को लेकर लिखते हैं, तो कभी किसी मतलब लड़की को सोच कर नहीं लिखा? लड़की को सोच कर ऐसे पर्टिकुलर क्या मतलब वो तस्वीर कभी बनी नहीं या मतलब? नहीं नहीं, अभी तक बनी नहीं उस तरह, नहीं बनी। तो अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, आपका स्टाइल भी मतलब पूरा इतना मतलब अलग है, सबसे अलग है, मतलब अलग ये बात भी है कि पॉलिटिक्स को लेकर लिखते हैं, जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा होता है उसको लेकर लिखते हैं, और पहनावा भी अलग है, मतलब टोपी एक साइड की एंड मतलब बास्केट पहन के, ये क्या मतलब इसके पीछे क्या राज है? कुछ नहीं, शौक है अपना, और शौक कई रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो लोग हैं उनको देख के खुद मतलब भगत सिंह से इंस्पायर तो नहीं? इंस्पिरेशन तो बड़ी अलग सी है, पॉलिटिकल इंस्पिरेशन। पॉलिटिकल इंस्पिरेशन कौन है? पॉलिटिकल इंस्पायर हमारे, हमने पॉलिटिक्स जो सीखी है या फिर कुछ आइडियोलॉजीज जो अलग अलग जिन पे ज्ञान दिया है वो बाबू सिंह जी हैं, बाबू सिंह मिनिस्टर। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली किया, बट फाइनली कुछ और बड़ी सारी चीज़ें आई इन बिटवीन, तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स रहे, तो फाइनली अपना कॉन्सेप्ट है अब एक, तो ये रेवोल्यूशनरी चीज वगैरह थे मार्क्सिस्ट थे, बट हम आइडियोलॉजिकली उनसे समझौता नहीं रखते, तो क्रांतिकारी भी रही है और मुझे भी पसंद आया, तो क्रांति पसंद है, क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति सिस्टम में चेंज तो सिस्टम में चेंज लाना है जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा गंदी चीज क्या लगती है सिस्टम में? सिस्टम में देखिए जो ना बराबरी है, अमीरी और गरीबी का फासला है, इसको कम करना बड़ा जरूरी है, लोगों की जिंदगी बेहतर हो उसके लिए एक सिस्टम में चेंज लाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं और कहीं ना किसी तरीके से सरकार की पॉलिसियों को कोसते भी रहते हैं जो लोगों के हक में नहीं होती है। तो बस यही आपकी ना, मैंने एक जो रिसेंटली एक कविता आपकी ऑनलाइन बहुत वायरल हुई थी कि जम्मू वालों को ही पूछ रहे थे आपकी बताओ भाई कैसा लग रहा है, तो मैं चाहूंगा एक बार सुना दूं। बोलो कैसा लग रहा है, खुद ही को नीचे गिराकर लुटेरों के हाथ वादी थमाकर पानी से बना बिजली हमारी कोई बेच रहा है, बोलो कैसा लग रहा है, नारा राष्ट्रवाद का लगाकर युवाओं का यौवन खाकर तुम्हारे वोट का सौदा कोई और कर रहा है, क्या बात है? बोलो कैसा लग रहा है, वादा तरक्की का करके छाव से हमें धूप में रख के जेबों पर भी अब डका डाला जा रहा है, बोलो कैसा लग रहा है, मजहब के दंगे करवा कर जवानों के कफन सिलवा कर कोई सत्ता का भूखा लग रहा है, बोलो कैसा लग रहा है, क्या बात है। तो मतलब मैं कहूँगा जब से मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार की वजह से आपकी कलम जो है वो भी चलने लगी है, मतलब मोदी सरकार को श्रेय दूंगा मैं ये सारा। पॉलिटिकली इसी दौर में एक्टिव हुए हैं, अगर लिखना अगर पहले स्टार्ट किया होता तो कांग्रेस में भी बड़ी खामियां रही हैं, तो उनके खिलाफ भी जरूर लिखते हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई और होगा जो लोगों के हक की बात नहीं करेगा तो उसके लिए भी बखूबी लिखेंगे। अच्छा, तो जम्मू की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी की बात चल रही है, चलो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी चले जाते हैं, जम्मू में आपको बीजेपी में सबसे वो कहते हैं ना मतलब निहायती, मतलब जो कोई काम कर ही नहीं सकता, आता ही नहीं किसको, कौन लगता आपको, ऐसा कोई है क्यों उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जिससे? सब के सब हैं, सारे निकम्मे कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसी को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, ढोल नगाड़े बजाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, अगर लोगों के हक की बात नहीं है तो नहीं। तो जब लोग स्ट्रगल करते हैं इनका क्रेडिट कुछ भी नहीं होता उसमें, सेंटर से फिर अगर लोगों का प्रेशर देके सेंटर कोई पॉलिसी में चेंज लाता है तो क्रेडिट लेने सबसे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ के जो बीजेपी के जो स्टेट के लोग हैं, मैं नहीं समझता किसी भी लोगों को रिप्रेजेंट करने के काबिल हैं। तो अच्छा, बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं कठुआ से हूँ, कठुआ से। तो कठुआ में मेरे ख्याल से पहाड़ हैं, कठुआ का कुछ मैदानी भी है, हाँ, तो पहाड़ हैं, जैसे बिलावर चले जाएं, बसोली बनी, तो ये जो पहाड़ी, एक मतलब जो शायर होता है ना,
शायर लिखते वक्त कई सारी चीज़ों का सहारा लेता है, कोई मतलब यादों का सहारा लेता है, कोई जाम का सहारा लेता है, कोई पहाड़ों का सहारा लेता है, आप किसका सहारा लेते हैं? कुदरत को रखते हैं क्योंकि समझता हूँ कि जो कुदरत का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, उसी पर सोसाइटी भी चलती है, तो इसका दोनों का रिलेशन बड़ा अच्छा बनता है, तो कुदरत को बीच में ले आते हैं, कुदरत को बीच में ले आते हैं जरूर। तो मतलब ये नेचुरल मतलब सब ये बड़ा मिक्स हो जाता है, दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और सोसाइटी के भी जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा बड़े हद तक लॉ ऑफ नेचर से रिलेट करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिक्स होता है तो एक अच्छा पोइट्री में भी लिखा जा सकता है, और बोलने में भी जब हम बोलते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी का मतलब आपको माहौल कैसा लग रहा है, क्योंकि मौसम भी आज बहुत अच्छा था ना, बाहर बैठ के आराम से मतलब करते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के, तो आज मौसम भी अच्छा है, तो आज यहाँ बैठे भी हैं तो बातचीत हो रही है। नहीं तो अच्छा, मतलब आपने अब मतलब आप प्रोटेस्ट वगैरह भी काफ़ी करते हैं मैंने देखा है, तो मतलब आपने कहा भी क्रांति भी लाना चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना कि इंसान का बचपन का गोल कुछ और होता है, बड़े होते होते कुछ चेंज भी हो जाता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपका पहले का गोल क्या था, फिर आपने लिखना भी शुरू किया, पॉलिटिक्स में भी एंटर किया, तो अभी का प्रेजेंट गोल क्या? प्रेजेंट गोल तो यही है जो पहले का, जो आपने पूछा कि पहले का जो गोल था, पहले तो सोचते थे कि कहीं सिस्टम में यही डिफेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इतना भी नहीं था कि कहीं जॉब करेंगे कुछ जाके, तो फाइनली जब कॉलेज में आए तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेके कई सारे लोगों के संपर्क में आए, तो स्टूडेंट एक्टिविज्म से हमने स्टार्ट किया, तो कॉलेज का दौर काफ़ी अच्छा रहा, तो काफ़ी उस समय इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, और बाद में उसी समय स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज़ उठाते रहे, और वहाँ से जब स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट किया और सबका सपोर्ट भी मिला कि, और फाइनली जब सेटिस्फेक्शन होती रही कि हाँ हमने जीत हासिल कर ली है इसमें, तो जो सेटिस्फेक्शन थी वो इम्पोर्टेंस रखती थी, और आज की डेट में भी बाकी सब चीज़ों को छोड़ के जब किसी गरीब का या किसी भी व्यक्ति का जब हम कुछ काम हो जाता है और हमारी कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी होती है, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तो उसी सुकून वो सुकून ये प्रेरणा देता है और आगे करने की, तो हमने देखा भी है, अब गांधी जी भी अच्छी फैमिली से थे, लॉ करके आए थे, बट उनकी जो सेटिस्फेक्शन थी वो उसी दोती और उसी स्ट्रगल में थी, तो सवाल सेटिस्फेक्शन का है, बिल्कुल मतलब सवाल इस चीज का है कि दिल क्या चाहता है, वो चाहत पूरी हो जाए तो फिर सुकून मिलता है, बिल्कुल है ना। तो आपने मतलब अभी तक ढेर सारी कविताएं वगैरह भी लिखी होंगी, तो सब मतलब पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही है, बस उसी के इर्द गिर्द, उसके दूर जाने की कोशिश भी नहीं की आपने? दूर जाने की, पॉलिटिक्स से दूर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वैसे तो मतलब मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, मतलब मोहब्बत नहीं हुई कभी आपको? मोहब्बत होती है, अब मोहब्बत लेना और बांटना है, ये इसका मजा, ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया ना, यहाँ से थोड़ी चलेगा ये शो, मतलब खुल के इजहार करने का, तो मोहब्बत हुई होगी? हाँ मोहब्बत तो हुई है, बचपन की मोहब्बत ही है, बचपन नहीं तो मैच्योर हो गए तो रहा है दौर, मोहब्बत पूरी नहीं हो गई, पूरी सफर में भी है हाँ, तो कुछ पूरी ना भी हो पाए। अच्छा कितनी मोहब्बत थी पहले ये बताओ? मोहब्बतें कुछ ज़्यादा भी नहीं थी, बट ये है कि एक स्टेज है और स्टेज स्टेज में लोग आते जाते हैं, हमसे मिलते हैं, और कुछ आए और कुछ चले गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा था ना, मतलब कई लोग कहते हैं कि प्यार एक बार होता है एक बार जीते हैं, डायलॉग भी है ना, मैं नहीं मानता। तो ये आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है, किस तरह से ये होती है? मतलब मैं नहीं मानता कि प्यार एक ही बार होता है, प्यार दोबारा भी हो सकता है, और प्यार करने में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल है ना, अब जान बनाए प्यार करने के लिए, प्यार खुल के प्यार करो, बांटो प्यार को, बांटो, नफरतें बहुत हैं दुनिया में, तो नफरों के सौदागर बैठे हैं, प्यार के सौदागर कम है, तो एक प्यार एक गाना था ना वो नफरत की आंधी तो कुछ, अगर याद है नहीं तो ऐसा ऐसा कुछ याद नहीं है, आप सुना दे तो बेहतर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, तभी मैं पूछ रहा था आपसे। वैसे मूवीज वगैरह देखते हो? मुझे लगता है ऐसे कि मतलब मूवीज देखता हूँ, बट मूवीज का मेरे साथ कुछ मसला ऐसा है कि मुझे याद नहीं रहती, क्यों पता नहीं ये क्या है, मूवीज देखता हूँ फिर मूवीज भूल जाती हूँ, बट एक जो मूवी है जो मेरे दिल में, हाँ जो मैं करीब करीब 15 बार देख चुका हूँ, वो है रॉकस्टार। रॉकस्टार साडा कैथे रख, उसमें क्या अच्छा लगता है? उसमें अच्छा लगता था उसकी एक्टिंग और डायलॉग बड़े अच्छे लगते थे, रॉकस्टार। तो मतलब उसमें रॉकस्टार में एक डायलॉग भी था ना कि मतलब मेरा दिल तोड़ दो उसके बाद मैं बहुत अच्छा मतलब गायक बन जाऊंगा, ये उस बात को भी फॉलो करते हैं आप?
नहीं, जो करना है सो करना है। नहीं हाँ, मतलब एक हाँ, अच्छी कहते हैं ना, एक कलाकार बनने के लिए मतलब किसी भी चीज़ में, संगीत में दर्द लाने के लिए, लिखावट में दर्द लाने के लिए दिल तोड़वाना जरूरी है। दिल तोड़वाना जरूरी है। तो टूटा नहीं, दिल टूटे टूटे कह भी सकते हैं। हाँ, तो टूटे में और ऐसे जोड़ने वाले भी आए। सफर चलता है, सफर जिंदगी का सफर चलता रहेगा, प्यार बांटे। आपकी बातों से इतना तो मैं समझ गया कि फिलहाल जो है हमारे अमरीश जी मोहब्बत में है, एंड शायद से सफर जो है आप हम सफर के साथ बिता रहे हैं कहीं पे। नहीं अब हम सफर वो है जो साथ चलता है। चक्कर ये है, देखो मतलब कविता करते हैं, मतलब लिखते भी हैं, अच्छा है, शायर भी हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ जुड़े, तो बातें घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं ये। बातें तो किसी भी चीज पे क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक डेफिनेटली चलेंगे। अच्छा, अब समझा मैं, तो ये क्लैरिटी वहाँ पे अभी नहीं, तो ये अभी ऑन कैमरा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसी के साथ मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त हो गया तो एक और कोई कविता सुना दे। कविता किस पे सुनना चाहेंगे? जो भी, कोई भी आपको मनपसंद, आपकी मनपसंद। कविताएं तो नहीं है, बट शेर जरूर सुनाऊंगा जो मेरे को अच्छा भी लगता है और बड़ा रिलेट करता है, और कुमार विश्वास जी का ही। अच्छा, कुमार विश्वास जी। वो इस तरीके से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी जो रिसेंट दौर चल रहा है, गवर्नमेंट सारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको बेच रही है ना, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करने वाले लोग। बिल्कुल, राइट टू फ्री एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू लिवलीहुड होना चाहिए, तो राइट टू हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें सरकार वेलफेयर स्टेट के तहत फ्री करें। तो सरकार की जो आजकल की पॉलिसीज हैं वो कहीं और हैं, कि जो हमारे पास टैक्स से हमने जो चीज़ें खड़ी की हैं उनको भी हम बेचेंगे। तो उस पे बड़ा अच्छा था कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, शर्म को हया को आखिर सियासत बेच देती है, क्या बात है। निकम्मेपन की बेशर्मी जब आंखों में चढ़ जाए तो औलादें बुजुर्गों की विरासत तक बेच देती है। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ा मेरे को अच्छा लगता था और मैं चाहता था कि मैं सबको सुनाऊँ, तो आपके माध्यम से सुनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार लोगों के लिए सोचे, हेल्थ पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान। एक राहत इंदौरी साहब का कुछ ऐसा शेर था, मुझे याद नहीं आएगा, मैं बहुत भूलता हूँ, कि कुछ पता नहीं बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कदर, क्या पता कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। अच्छा, राहत इंदौरी जी बहुत नायाब शायर रहे हैं, उनका एक शेर मेरे को अभी याद भी आ रहा है, सरहदों पर बहुत तनाव है, जरा पता तो करो चुनाव है। उनका भी अपना तरीका था, लेकिन मानते हैं यार पॉलिटिक्स जो है बहुत ही नहीं, डेफिनेटली रिलेट करती है, और ये एक बड़ा अच्छा, छोटे शब्दों में आप बड़ा कुछ कह सकते हैं इसमें, कविता के जरिए। हाँ, बिल्कुल, और ये एक अलग सा तरीका है सुनाने का, और लोग इंटरेस्ट से जब सुनते हैं तो हम समझते हैं कि समझ और गहरी हो जाए, पॉलिटिक्स की समझ और गहरी हो, जो चल रहा है उसकी समझ और गहरी हो जाए लोगों में। तो ऐसे सिंपली हम बोलेंगे तो हो सकता है इग्नोर किया जाए, कविता के जरिए बोलेंगे, कविता के जरिए समझ सकते हैं। तो सुनते हैं तो सुनेंगे तो फिर समझेंगे, तो हम चाहते हैं कि लोग भी समझें, और जो गलत हो रहा है हमारे आसपास उसके लिए आवाज भी। बिल्कुल, पॉलिटिकल अवेयर आजकल हर किसी को होना चाहिए, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सरकार दबाएगी आवाज। बिल्कुल, डेफिनेटली दबाएगी। तो सरकार यही चाहती है कि अब जिनके इशारों पर है, जो लोग बैकग्राउंड में बैठ के चलाते हैं, अब उन्हीं को सर्व करेगी आके, तो लोग कहीं ना कहीं उस चक्की में पिस जाते हैं। तो पहले था कि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी बनेगी, अब बीजेपी का विकल्प कौन बनेगा सवाल ये है, क्योंकि दोनों ने लोगों के लिए उस तरीके से काम नहीं किया है जैसा करना चाहिए था। बिल्कुल, तो यही समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम अमरीश ये किसने रखा था? अमरीश पुरी जी से इंस्पायर होकर तो नहीं रखा था? नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं जानता, मैं तो छोटा था। अब पता नहीं, जब मैं घर वालों से पूछता हूँ किसने रखा, वो कहते हैं हमारे जो चाचा जी हैं, चाचा जी मतलब मेरे दादा के ब्रदर के बेटे, उन्होंने रखा था। तो यूनिक सा थोड़ा नेम है और मेरे को भी अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो मतलब आप अगर प्रेजेंट मतलब सियासत में या मतलब हमारी कंट्री में चेंज लाना चाहेंगे तो अनिल कपूर बनना चाहोगे या अमरीश पुरी? ना, मैं अनिल कपूर बनना चाहूंगा ना मैं अमरीश पुरी बनना चाहूंगा। मतलब अमरीश जसरोटिया बन के करोगे? ये बहुत अच्छा जवाब दिया। वही बनना चाहूंगा, और उसी से मैं
मैंने आपको पहले भी कहा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, जब तक स्ट्रगल तब तक जारी रहेगी जब तक राइट टू फ्री एजुकेशन नहीं मिल पाता, अप टू पीएचडी लेवल तक सरकार जिम्मेवारी उठाए, प्राइवेट सेक्टर है जो उसको ख़त्म करे एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर है, गरीब की जेब में पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके, और सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये जो नेक्सस है वो इसको तोड़ना ज़रूरी है, और सरकार हर एक व्यक्ति की हेल्थ की जिम्मेवारी ले, इसके लिए हमारी स्ट्रगल रहेगी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, थर्ड, इंसान पढ़ जाता है, एक अरसा गुजर जाता है, तो उसके बाद अगर अनएम्प्लॉयड है वो, तो वो बड़ा उसके लिए डिप्रेस होने का कारण है। तो आज का युवा है भी डिप्रेस हम देखे तो वही है कि अगर सरकार जिम्मेवारी ले, अगर उसको जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकती है तो उसको लिवलीहुड दे। रिसोर्सेज की कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। तो यही है, जब हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी पॉलिटिकल, जब तक ये जो राइट है पॉलिटिकल राइट नहीं मिल पाते, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मिल पाते। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में आप ज़रूर जिस तरह से क्रांति लाना चाहते हैं या बदलाव लाना चाहते हैं सिस्टम में, ज़रूर लाएँ। और बहुत ही अच्छा लगा अमरीश जी आपसे मिलकर बातें करके, आपसे भी आपने बुलाया, बिल्कुल अच्छा लगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा। और गज़ल गीत और बातचीत के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, दीजिए हम दोनों को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।